हाँ जी गाइस, वेलकम टू माय किचन। तो आज आपको बताने वाला हूँ कैसे मल्टी सीड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम करेंगे रोस्ट, और कैसे हम उसे ड्राई रोस्ट करें, और कैसे हमें न्यूट्रिशन इसकी ज़्यादा मिलेगी। तो गाइस आइए पहले देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी सीड्स हैं। सबसे पहले है फ्लैक्स सीड, जिसे बोलते हैं अलसी के बीज, और ये है पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज, और ये है चिया सीड, तो इसको बहुत लोग सब्जियाँ भी बोलते हैं। तो ये गाइस सीड्स को मैं अपने स्मूदीज में, ओट मील में, और बड़े सारी रेसिपीज में, जैसे मैंगो शेक हो गया, और भी बड़ी सारी चीज़ें होगी, फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड, अपनी सैलड्स, सब चीज़ों में यूज़ करता हूँ। बट गाइस अगर आप इसको रो खाएंगे तो रो खाने से क्या होता है कि आपको सीड्स की प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि फ्लैक्स सीड का जो ओमेगा 3 है आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। उसका कारण ही यही है कि अगर आप रॉ सीड खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगी। और बहुत बार तो ऐसे होगा, आप सुबह जब वॉशरूम में अपना पेट साफ करेंगे, अगर वो कच्ची सीड होगी तो आप देखेंगे वो आपके पेट के रास्ते बाहर भी चली जाती है। तो गाइस इसलिए इनको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्लैक्स सीड। इसको रोस्ट करके हम इसको पाउडर बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्मूदीज और इन सब चीज़ों में भी यूज़ करेंगे। और इससे क्या होता है, एक तो गैस मौसम आपको पता है कि चेंज होता रहता है, तो मौसम में एक चीज़ ख़राब नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आई है हमारे तक, तो हम जब इसको रोस्ट करते हैं तो इसके अंदर कोई भी किसी तरह की डस्ट, किसी तरह के भी कोई भी चीज़ हो, तो वो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो अच्छी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये गैस उसके लिए सबसे पहले करेंगे कढ़ाई को ऑन, और जेड़ी मर्जी कढ़ाई ला लीजिए जी, वड्डी ला लो या छोटी ला लो, है तो कढ़ाई है ना। ओके जी, सबसे पहले फ्लैक्स सीड, क्योंकि अलसी के बीज तो पावरफुल सबसे होते हैं। तो क्या होता है कि कढ़ाई जब मैं 2-3 सीड को गर्म कर लूँगा तो हीट हो जाएगी ज़्यादा, तो उस टाइम पे फ्लैक्स सीड को करना सही नहीं है। तो सबसे पहले हमें फ्लैक्स सीड करना है, और हमें गैस रखनी है बिल्कुल सेम, बिल्कुल तेज गैस पे ना करना, आपकी जो सीड्स हैं बर्न हो जाएंगी, और जो हमने काम, जो हमारा मकसद है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो गैस मैं इसमें डालने वाला हूँ पूरी, ये है 250 ग्राम, और आधा किलो पूरी डाल दूंगा मैं इसमें, और ये आधा किलो मेरी ऑलमोस्ट गैस 2 महीने आराम से चल जाती है। और बेस्ट बात क्या है कि ये सस्ती बहुत है, अगर आप कंपेयर करें इन चारों सीड्स में तो सबसे इकोनॉमिकल और न्यूट्रिशन वाइज सबसे ज़्यादा। अगर आप ये चारों सीड नहीं खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ फ्लैक्स सीड को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको हर तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है। बात होती है इस न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ये 80 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक मिल जाती है। तो अभी हमें इसको रोस्ट करना है, तब तक जब तक गैस इसमें खुशबू आने लगे और हल्की सी ये गर्म हो जाए। तो बस अभी क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, सिर्फ 5 मिनट। जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसको साइड में एक प्लेट में डाल के रख देना है, और फिर आप बाकी की सीड्स अगर करना चाहो करिए। और फिर ये ध्यान रखिए कि हमें फ्लैक्स सीड को पाउडर ज़रूर बनाना है, अगर आप पाउडर बना के नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में पूरी नहीं मिल पाएगी, चाहे वो हैम्प सीड्स हो, चाहे वो फ्लैक्स सीड हो। स्पेशली ये 2 सीड्स ऐसी हैं जिसका पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है, और इनफैक्ट आप इनका भी पाउडर बना सकते हैं, बट मेरे को ये रॉ खाने में अच्छी लगती है, तो पम्पकिन सीड को च्यू करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसको रोस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई गंदगी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, और इसकी जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाए। तो गाइस अभी पहले फ्लैक्स सीड को रोस्ट करते हैं, फिर आपको इनको रोस्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, आप फ्लैक्स सीड का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे हम कर देंगे इसको बंद, और टच करके देख लेंगे बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अभी क्या करेंगे गाइस, हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, तो वो बर्तन ड्राई होना चाहिए, तो इस प्लेट को हम कपड़ा बांध के ड्राई कर लेते हैं अच्छे से, और इसमें हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे जब तक ये ठंडी नहीं होती है, और फिर हम गाइस इसमें क्या करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, और फिर इसको स्टोर कर लेंगे हम अपनी स्मूदीज और सब चीज़ों के लिए। तो आइए गाइस, गर्मो गर्मी कढ़ाई ध्यान न करना, पता लगे उधर छाले पै गए फिर तड़ी मम्मी ने मारने, आगे करता जिन्ना बनाया उन्ना कम बिगाड़ता।
लो जी, शाबाश। अब हमने अच्छे बच्चों की तरह कर दिया काम। अब आइए अगली सीढ़ी की तरफ। कढ़ाई हो गई है पूरी गर्म। ओहो, अब हमने इसको लो फ्लेम पे रखना है। अब करते हैं अगली सीड का काम। तो ये है पंपकिन सीड, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना, नहीं तो सीड का सच्ची मुच्ची में काम हो जाना। देख रहे हो कितनी सुंदर है गाइस, ये जिंक से भरी हुई है। तो आज के टाइम में आपने जितना विटामिन सी के बारे में सुना है, उतना जिंक के बारे में भी सुना होगा कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक चाहिए। तो ये जिंक से भरपूर होती है, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करती है। तो जो जिम वाले हैं वो तो खाते ही हैं, और इवन फीमेल्स में भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो सब हार्मोन उसको बढ़िया कर देती है। तो मेक श्योर अपनी फीमेल्स को घर में भी ज़रूर खिलाएं, स्मूदीज में, इन सब चीज़ों में ऑन द टॉप आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसको च्यू करने बड़ा मज़ा आता है। पम्पकिन सीड भी हो गए हमारे गरम, तो अब इसको हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये है पाइया, तो जो भी प्लेट में भी काम कर सकता है, तो हम बड़ी प्लेट ही लेंगे। तो फिर से गैस करेंगे बंद और कपड़ा लेंगे, सेफ्टी भी ज़रूरी है गाइस। खुशबू भी आने लगी है ज़बरदस्त। तो गाइस अगर आप पंजीरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप इसको पाउडर फॉर्म में भी करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ्लैक्स सीड को हमने कर दिया, ढक दिया। अब बारी है सनफ्लावर सीड की। तो गाइस इसका फ़ायदा क्या है कि ये प्रोटीन को बूस्ट करता है आपके डाइट में, और ओमेगा 3 तो देते ही है गाइस। साथ में इसमें बहुत सारे हमें मिनरल्स विटामिन मिलते हैं, ब्रेन के लिए विटामिन ए, ई, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो मेक श्योर अगर आप डाल सकते हैं, ये सीड ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, सो ये 200 से 300 रुपए केजी में आ जाती है। अच्छे से रोस्ट करिए, गैस को रखना है फिर से लो, और जब ये गर्म हो जाए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, इसको भी हमने अलग से निकाल लिया। सनफ्लावर सीड भी हो गई है हमारी रेडी। इतनी ही मेहनत है गाइस, कर लें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि हम पैसे खर्च रहे हैं और लेके भी आ रही हैं चीज़ें, पर उसका अगर हमें पूरा न्यूट्रिशन ही ना मिले तो गाइज क्या फ़ायदा है ना। तो देख रहे हैं आप कितनी अमेजिंगली प्रिपरेशन हो रही है। तो गाइज फूड की प्रिपरेशन, अच्छी अच्छी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए मुकरमा। ओहो, एक बार गैस भी नहीं साफ देती है गाइज, कोई गल नहीं, आप हैवी फटे चेक काम करने वास्ते। हूँ बारी है चिया सीड की। ये बड़ी वर्सेटाइल सीड है गाइस, इसको आप सोक कर दो तो ये पुडिंग बन जाती है गाइस, इसकी जेल बन जाती है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बड़ी फेमस भी है गाइस, तो इसलिए महंगी भी है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाए, तो बजट में ना आए, तो आप फ्लैक्स सीड से ही काम चला लें। बट अगर आपके पास बजट बढ़िया है तो चिया सीड भी बढ़िया है, न्यूट्रिशन तो ऑन द टॉप है ही है इसकी। पर वैसे अगर बात करें, पाइया सीड आपको 200 रुपये पाइया तक मिल जाएगी। तो 200 रुपये में अगर आपका महीने दो महीने निकल जाए तो क्या पड़ा है ना। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो नॉन वेज और अंडे शंडे जो चीज़ें खाते हैं उसमें भी तो कितना पैसा लोग खर्चते हैं ना, सप्लीमेंट और इन सब चीज़ों में। पर डाइट पहले ज़रूरी है ना, तो अगर हम डाइट में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे आपके पूरे परिवार को जाएगा गाइस, आप सिर्फ अकेले नहीं खाएंगे, कि पूरे परिवार को आप खिलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि घर वाले भी खुश, हमारा बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता है और हमारी सेहत का भी ध्यान रखता है। तो जो भी चीज़ बनाए सबके लिए बनाए, ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्रोटीन शेक पी रहे हैं, स्मूदी पी रहे हैं तो अकेले ही पिए जा रहे हैं, घर वाले सोचते पता नहीं क्या पीता रहता है हमारा बच्चा। जो भी करें सब कुछ परिवार के साथ करें, एक्सरसाइज करें तो भी परिवार के साथ करें, जिम करें तो भी परिवार के साथ करें, शॉपिंग करने जाएं वो भी परिवार के साथ जाएं, खाए पिए वो भी परिवार के साथ, तो उससे क्या होगा, यूनिटी बनी रहेगी और सबकी सेहत अच्छी रहेगी। सो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है ही सारे परिवार की सेहत है ना, और हमारा परिवार हैप्पी हेल्दी
तो हम सारी दुनिया को भी हेल्दी कर सकते हैं। तो गाइस चिया सीड का कलर आप देख रहे हैं ब्लैक से थोड़ा थोड़ा ग्रेइश हो गया है, तो अब ये टाइम है इसको भी बंद करने का। देख सकते हैं आप ब्लैक से थोड़ा ग्रेइश हो गया है, तो अभी बस इसको प्लेट में निकालेंगे और हमारा काम 90% तो ख़त्म हो गया है। बस हमें फ्लैक्स सीड को पाउडर बनाना है, वो हम शाम को बनाएंगे, तो वीडियो में आपको थोड़ा आगे चल के भी दिख जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना होगा। वाह जी वाह, शाबाश, अपने आप को शाबाश जरूर देना गाइस जब भी आप अच्छा काम करें, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे, है ना। तो ढकने के बाद अभी ये जो हमने मेस क्रिएट किया है इसको भी साफ करके जाना गाइस, ऐसा नहीं है चलो जी काम कीता से बाकी का काम करना ही है। तो इसलिए अपना काम सारा खुद करना एंड यू हैव टू क्लियर द मेस। चलो जी मिलते हैं आगे वीडियो में जब हम इसको ग्राइंड करेंगे फ्लैक्स सीड को, और फिर तो जी गाइस आपको पता ही है क्या करना है इसका, खाइए पिए मौज करिए डोले बनाइए, अच्छी फिजिक की तरफ फोकस करिए, ये ना फोकस करिए मुझे एब्स बनाने मुझे ये करना है मुझे वो करना है। गोल होना बहुत ज़रूरी है, बट हम उसके लिए ऑब्सेस ज़्यादा ही पागल ना हो जाए, तो उसके लिए क्या है कि कभी रोटी छोड़ देने, कभी चावल छोड़ देने, कभी नमक छोड़ देना, कभी चीनी छोड़ देनी, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ, खा पी के फिट हो, दैट इज़ द मेन मोटो, खा पी के फिट होना जी। इंजनी रोटी छड़ के जी बॉडी बना ली तो काली बॉडी, किसी दिन जी रोटी खानी पैगी तो ढिड निकल जाना, फिर काले डोले, है ना। चलो अभी दिखाते हैं आपको फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के। गाइस फाइनली हमने अपने सारे सीड्स को स्टोर कर लिया है जार में, तो ये पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, और ये है फ्लैक्स सीड जिसको हमने बना लिया पाउडर, जिसको भी हमने अब स्टोर कर लिया। अब इसको हम ढक के रख देंगे एंड दे आर रेडी टू यूज़। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।